नमस्कार, मैं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं बॉयज ऑन। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रसमोह चौराहे पर जेबर क्रॉसिंग पर फ्लैश मॉब करने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जी हां, मामला दर्ज होने से पहले लड़की ने सफाई भी दी। उसने कहा कि डांस पर वीडियो बनाकर उसने किसी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं किया है, उसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। लड़की का फ्लैश मॉब करते वीडियो सामने आने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की थी। गौरतलब है कि विजयनगर पुलिस ने गुरुवार को मॉडल श्रेया कालरा के खिलाफ धारा 290 के तहत मामला दर्ज कर दिया। लड़की पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने का आरोप है। इसे लेकर मॉडल का कहना है कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड था तब मैंने डांस किया था, ऐसे में कोई नियम नहीं तोड़ा है। ये वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया था। बता दें कि मॉडल श्रेया कालरा 3 दिन पहले भी जंजीरवाला मार्ग पर एक कार पर खड़े होकर डांस करती नजर आई थी, तब भी ट्रैफिक जाम हो गया था। युवती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वीडियो शेयर किया और खुद को डिजिटल क्रिएटर बताया। श्रेया ने जैसे डांस किया वैसे ही चौराहे पर खड़े लोग हैरान रह गए। हालांकि रेड लाइट के दौरान ही श्रेया ने यह डांस किया, बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने लोगों से मास्क पहन की अपील करते हुए इस फ्लैश मॉब को किया है। वीडियो फौरन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब वीडियो ट्रैफिक पुलिस ने देखा तो विभाग ने युवाओं से अपील की कि वह इंटरनेट ऐसी जगह पर करे जहां पर उनकी जान को खतरा न हो। इस वीडियो को वायरल होने के बाद डीएसपी उमाकांत चौधरी ने युवा एंटरटेनमेंट के लिए कई अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे उनकी जान को कोई खतरा हो, क्योंकि ट्रैफिक के समय ऐसा करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। इस मामले को लेकर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को मोटर यान अधिनियम के तहत कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आगे फिर कोई ऐसी हिमाकत नहीं करे। तो ये थी सुनती अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉयज ऑन एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।